बाल को प्रबंधन ने बालको नगर के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बालको प्रेरणा योजना क्रियान्वित की। इसके अंतर्गत बाल दिवस के मौके पर 10 स्कूलों के 56 विद्यार्थियों को बालको प्रबंधन ने 4,88,000 रुपए की राशि वितरित की। प्रोत्साहन राशि का वितरण बालको के CEO एवं पूर्णकालिक निदेशक श्री प्रमोद सूरी, वाणिज्य एवं प्रशासन उपाध्यक्ष श्री अतुल मित्तल और मानव संसाधन सह उपाध्यक्ष श्री शरद कोयल ने किया। अधिकारियों ने छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। बालको नगर के नेहरू उद्यान में आयोजित बालको प्रेरणा प्रोत्साहन राशि वितरण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बालको के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पूर्णकालिक निदेशक श्री प्रमोद सूरी थे। श्री सूरी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। बालको के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पूर्णकालिक निदेशक श्री प्रमोद सूरी ने पुरस्कृत बच्चों को बधाई देते हुए कहा कि योजना का उद्देश्य बच्चों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करना है, ताकि वे शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर बालको का नाम पूरे देश में रोशन कर सके। और मुझे ये जानते हुए और आपको बताते हुए बहुत खुशी है कि इस साल बालको परिवार ने भी बाल दिवस को इस तरह से मनाने का निर्णय लिया, जिसके लिए हमारे HR डिपार्टमेंट के श्री शरद गोयल और उनकी टीम तथा श्री मित्तल और उनकी टीम ने मिलके इस बाल दिवस के मौके पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया। बच्चों ने, जैसा कि मुझे बताया गया, अभी कुछ देर पहले पेंटिंग कंपटीशन किया और बहुत ही अच्छे चित्र बनाए। इसके अलावा आज बालको परिवार की तरफ से, बालको मैनेजमेंट की तरफ से प्रेरणा नामक योजना का हम शुभारंभ करने जा रहे हैं। इसके तहत जितने भी हमारे बालको परिवार के स्कूल हैं, उन स्कूलों में 6, 7, 8, 9, 10 क्लास के जो बच्चे हैं और जो अपनी क्लास में सबसे ज्यादा मार्क्स प्राप्त करते हैं, उन बच्चों को भी आज पुरस्कार दिया जाएगा। इसी उम्मीद के साथ कि आप अपना जो अगले साल भी इससे ज्यादा मेहनत करोगे और दोबारा पुरस्कार के लिए भी आगे आओगे, मैं एक बार फिर सभी बच्चों को आज बाल दिवस के अवसर पर बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और यहां पधारे उनके माता पिता और परिवारगण जो साथ में आए हैं, जिन बच्चों को आज पारितोषिक मिलने जा रहा है, उन सबको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इसके साथ ही साथ जो मेरे सहयोगियों ने, HR डिपार्टमेंट और एडमिन डिपार्टमेंट वालों ने ये प्रोग्राम का आयोजन किया है, उनका भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले सालों में इसी तरह से हम लोग बाल दिवस को और अच्छे तरीके से मनाएंगे। मैं अभी शरद जी से बात कर रहा था कि हमारी कॉलोनी के बच्चों में इतनी प्रतिभा है कि ना केवल पेंटिंग बल्कि डांस, म्यूजिक, उसको भी आगे आने का मौका मिलना चाहिए। और बालको की तरफ से ही हम लोग ऐसी प्रतियोगिताओं का आयोजन करें जिसमें कि आपकी जो कला है उसको और निखरने का मौका मिले। और इसी के साथ एक बार फिर मैं आपको बाल दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। जय हिंद।
चयनित विद्यार्थियों को बालको प्रेरणा, बालको के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पूर्णकालिक निदेशक श्री प्रमोद सूरी सहित बालको के वरिष्ठ अधिकारियों ने दिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बालको के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। वर्ष 2006 से शुरू बालको प्रेरणा योजना के तहत प्रतिवर्ष ऐसे विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि देने की योजना है जो अपनी कक्षाओं में उच्चतम अंक प्राप्त करते हैं। योजना के अंतर्गत 6वीं से लेकर 10वीं और 12वीं के बच्चों को बालको प्रेरणा देने की व्यवस्था है। 11वीं के विद्यार्थियों को योजना में शामिल नहीं किया गया है। ममता सिंह, ममता सिंह, बालको टाउनशिप हायर सेकेंडरी स्कूल, अन्नपूर्णा सिंह, निर्भय कुशवाहा, 9000 रुपए की पुरस्कार राशि से सम्मानित किया जा रहा है। इंद्र सिंह दोबारा, तो उनके साथ जो अध्यापक आए हैं वो आ सकते हैं लेने, उनकी जा रही है। दीप्ति डांगरे, मोहम्मद शबीर, 8000 रुपए की पुरस्कार, ज्योति प्रभा कुर्रे, श्री छविलाल साहू, डीएवी स्कूल, संस्कृति मिश्रा, सोनम, अमित खरे, ₹10,000 की अलका कंवर, जोश दिखाई नहीं दे रहा है। माधुरी वर्मा, आराधना, एमजीएम हाई सेकेंडरी स्कूल, निशा वर्मा, 1000 रुपए की राशि से सम्मानित किया जाता है। राजप्रीत कौर सम्मानित किया जाता है। बागीशा पांडे, रजनी चौरसिया, आशुतोष शांडिल्या, रजनी चौरसिया, 10,000 रुपए की राशि से राशि प्रदान की जा रही है। इन्हें 6,000 रुपए की राशि से पुरस्कृत किया जा रहा है। चंद्रमा, सौरभ मिश्रा, ऋतु केशकर, मनीषा को 8,000 रुपए की राशि से, सौरभ मिश्रा, जिसे सम्मानित किया जा रहा है। नीता लहरे को साथ इन्हें 8,000 रुपए की पुरस्कार राशि दी जा रही है। विजय तिवारी, विजय तिवारी को, धीरज सिंह को 10,000 रुपए की पुरस्कार राशि दी जा रही है। गजेंद्र उपाध्याय, मानव संसाधन की सहायक प्रबंधक सुश्री नीता साझा ने कार्यक्रम का संचालन किया।